शुक्रवार को पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष अताउल्ला शाही के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 1 दिवसीय धरना दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुसलमान और ईसाई धर्म के दलित जातियों को अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इससे संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है, जिससे सभी धर्म के दलित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष अताउल्ला शाही ने कहा, मांगे पूरी हो, पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अताउल्ला शाही, पीस पार्टी जिला अध्यक्ष गोरखपुर। ये आज का धरना हम 3 मांग को लेकर के दे रहे हैं। पहली मांग तो हमारी ये है कि ये जो केंद्र की भाजपा और असम की भाजपा सरकारों ने एक साजिश के तहत आसाम में रह रहे 40 लाख लोगों का नाम राष्ट्रीय वो जनसंख्या रजिस्टर से कटवा दिया है, क्योंकि वो वहाँ जन्म से रह रहे हैं, इसलिए संविधान के खिलाफ है। मैं मांग करता हूँ कि उन 40 लाख लोगों का नाम रजिस्टर में दर्ज कराया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि एक साजिश के तहत 1950 में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया, जिसमें हिंदू दलितों को आरक्षण का लाभ दिया गया। इसके बाद फिर 1956 में सिख दलितों को आरक्षण करा दिया गया। इसके बाद 1990 में बौद्धों में जो दलित थे उनको आरक्षण करा दिया गया। हमारा मानना है कि हमारा संविधान जो बना है वो सबके साथ इंसाफ करता है, इसलिए मुसलमानों में जो दलित जातियां हैं और ईसाइयों में जो दलित जातियां हैं उनको भी अनुसूचित जात आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जब देवरिया के नारी संरक्षण गृह में जो कृत्य हुआ वो बहुत ही अफसोस की बात है, और हमारी मांग ये है कि उसका निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इन मांगों को लेकर के हम धरने पर बैठे हुए हैं।